वोटर कार्ड में नेम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ या आपका फादर नेम करेक्शन करना हो तो आप लोग कर सकते हो अपने मोबाइल पर। गवर्नमेंट ने न्यू ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। तो हम लोग यहाँ पर प्ले स्टोर जाएंगे, प्ले स्टोर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो करेक्शन ऑफ इनरीज फॉर्म 8, उसका ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई हो गया, यहाँ पर देख सकते हो यस आई हैव वोटर आईडी नंबर, आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो यहाँ पर यस करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डालेंगे, वोटर आईडी नंबर डालने के बाद फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सारे डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से देख लेना, अगर आपका है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, अगर नहीं है तो फिर से दोबारा डालेगा। तो यहाँ पर ये मेरा ही है तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग नेम करेक्शन कर सकते हो, फोटो चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, रिलेटिव चेंज कर सकते हो, जेंडर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वही डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंड आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम एंड प्लेस लिखेंगे, उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद आपके सारे डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ बराबर है तो आप लोग यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज आ जाएगा, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ योर रेफरेंस आईडी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम लोग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद ओके करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस आईडी डाल के भी आप लोग स्टेटस ट्रैक कर सकते हो या अप्लाई फॉर्म पर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर रेफरेंस आईडी डालूँगा अभी जो हम लोग कॉपी किया है उसको, उसके बाद यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस आईडी एंड ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपका स्टेटस शो हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह आप लोग देख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो आते रहता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।